सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ राउरकेला का फेमस प्योर रेस्टोरेंट, जो कि है बॉडो सिंगारो रेस्टोरेंट। उसका लोकेशन है जस्ट खाना खजाना का राइट साइड में पड़ता है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लोकेशन। एंड गाइस, बहुत सारे लोगों का यही क्वेरीज था कि मैम बस आप नॉनवेज लोगों के लिए बिरयानी चिकन सब शेयर करते हो, हमारा वेज लोगों के लिए भी कुछ वीडियोस लाओ। ऐसे भी गाइस नवरात्रि चल रहा था, मैं आई हूँ राउरकेला दुर्गा पूजा का शॉपिंग के लिए, तो मैं सोची कि मैं आज यहाँ पर लंच करूँगी, तो मैं सोची आप लोगों के साथ पूरा ब्लॉग भी शेयर कर देती हूँ। एंड मेरा मम्मा का तो ये फेवरेट रेस्टोरेंट है, क्योंकि मोस्टली मेरे घर में हमेशा से मंडे और ट्यूसडे को प्याज लहसुन नहीं होता है, तो हम लोग जब भी उस दिन को राउरकेला आते हैं इस होटल पर खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, वेज आइटम पनीर से लेके मशरूम तक सब कुछ, बट सब कुछ बिना प्याज लहसुन के ही वो लोग प्रिपेयर करके देखते हैं। प्योर वेज रेस्टोरेंट है, मीठा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, एंड यहाँ का लस्सी भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो फाइनली आप लोग जो वेट किए थे ब्लॉग के लिए, वो मैं बना रही हूँ आज, और आप लोगों के साथ फूड का रिव्यू भी शेयर करूँगी कि कैसा लगा टेस्ट। तो चलिए चलते हैं अंदर, दिखाती हूँ एम्बियंस कैसा है और फूड कैसा है। तो गाइस ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडो सिंगारो रेस्टोरेंट एंड लस्सी, क्योंकि ये जगह लस्सी के लिए फेमस है। तो चलिए चलते हैं नीचे। एंड देखिए यहाँ पे मिठाई मिल रहा है, और यहाँ पे स्पेशली ये लस्सी मिलता है इस वाले कॉर्नर पे। वैसे तो इन लोग का भी लस्सी के लिए अलग से वहाँ पे खोल दिए हैं जहाँ पे कोर्ट के पास, बट यहाँ पे भी लस्सी मिलता है। तो गाइस देखिए, ये है यहाँ का एम्बियंस, एंड आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। पापा बैठे हैं, ड्राइवर बैठे हैं, ये देख लीजिए ये काउंटर, और इधर साइड और अंदर भी वहाँ पे बैठने के लिए जगह है। वहाँ पे हम लोग मोस्टली जब भी आते हैं अंदर ही बैठते हैं, बट आज पूरा बहुत ज़्यादा भीड़ है, देख लीजिए, क्योंकि नवरात्रि चल रहा है तो सब लोग बिना प्याज लहसुन के ही खा रहे हैं, और पूरा डार्क थीम है। तो गाइस मैं आ गई हूँ अंदर, अभी देखते हैं मेन्यू में क्या क्या है, आप लोगों को दिखाते हैं, फिर ऑर्डर करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे लंच पे। तो गाइस देखिए, ये है बॉडो सिंगारो प्योर वेज रेस्टोरेंट का मेन्यू, और यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, देख लीजिए सूप भी है और चाइनीज़ आइटम में भी है, रोल में भी है, बट सब कुछ आपको प्योर वेज ही मिलेगा। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है, ओनली 70 रुपीज़ 100 रुपीज़ में ही आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे वेजिटेबल है, पनीर का बहुत सारा आइटम है, मशरूम्स भी अवेलेबल है, दाल राइस जो मेन कोर्स में होता है वो सब है, और दाल रोटी थाली भी अवेलेबल है, जो कि थाली खाना ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि यहाँ पे सब वैरायटी का मिल जाता है। अगर आप अफोर्डेबल नहीं कर सकते तो आप अकेले अगर आ रहे हो तो थाली भी खा सकते हो। एंड यहाँ पे पापड़ वगैरह, कॉफ़ी वगैरह भी है, और यहाँ पे सूप नूडल्स सारा चाइनीज़ आइटम भी है। तो आज ऑर्डर किया एज सोल वेज बिरयानी और मशरूम मसाला, तो देखते हैं अभी वेट करते कब आएगा, क्योंकि आज काफ़ी भीड़ है। वैसे तो मैं जब भी आती हूँ हम लोगों को स्पेशल सर्विस मिलती है, क्योंकि मम्मी यहाँ पे बहुत पुरानी कस्टमर और सब लोग यहाँ पे हम लोगों को जानते हैं, बट आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है तो प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, बस फूड आने दीजिए, खा के बता दीजिए रिव्यू कैसा है। तो बस देखिए, ये हमारा वेज बिरयानी और मशरूम मसाला आ गया है, सब लोग वही खा रहे हैं, बस रायता आना बचा है। तो अभी देखते हैं खा के कैसा लग रहा है टेस्ट। वैसे तो मुझे यहाँ का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि प्योर वेज में और आपको क्या ही मिल सकता है बिना प्याज लहसुन के, बट स्टिल मैं आप लोगों को खा के प्योर रिव्यू देती हूँ। पनीर भी डाला है, पूरा प्योर बिरयानी के जैसा टेस्ट है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर प्याज लहसुन डाला नहीं है, बट येस द फैक्ट इज़ ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है। हम लोग मशरूम भी खा रहे हैं, मशरूम मसाला प्लस वेज बिरयानी, वो भी बिना प्याज लहसुन के, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं आपको 110% रिकमेंड करूँगी कि आप लोग यहाँ पे आइए, अगर लाइक कुछ पूजा वगैरह फेस्टिवल है, अगर आप लोग बाहर कुछ खा नहीं सकते लाइक प्याज लहसुन, बट यहाँ पे आप लोग आके खा सकते हैं। यहाँ पे लाइक जोमेटो एंड ऑल भी पैकिंग भी हो जाता है, तो आप लोग पैकिंग करके भी घर जाके भी खा सकते हैं। तो मैं फटाफट खाती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो गाइस जस्ट अभी मैं लंच अपना कंप्लीट की, बट गाइस आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी, आज हम लोग ने ऑर्डर किया था बिरयानी एंड मशरूम मसाला। तो गाइस मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ये रहेगा, मैं हमेशा से मशरूम चिली खाती थी, बट आज मैं सोची कि थोड़ा ट्राई चेंज करते हैं अपना टेस्ट जो है, बट मुझे ना मशरूम चिली से मतलब मशरूम मसाला इतना खास नहीं लगा, तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी, तो आप लोग हमेशा बिरयानी प्लस मशरूम चिली यहाँ का ट्राई कीजिए, मशरूम मसाला इस मतलब मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। तो चले गए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड जितने भी मेरे वेज सब्सक्राइबर हैं उनको उनका फेवरेट वीडियो जो मिल गया, तो आप लोग यहाँ पर आइए और यहाँ का फूड जो ट्राई कीजिए, और मेरे वीडियो पर कमेंट करना मत भूलना कि मैम आपका वीडियो देख के हम लोग गए थे वहाँ पर फूड ट्राई करने के लिए। एंड गाइस याद से मशरूम प्लस मशरूम चिली प्लस बिरयानी खाना मसाला इज इतना अच्छा नहीं था। सो बाय, टेक केयर।